Look, yesterday we'll do a surgical strike on the DLR section. So there are three targets for you. So 80 percentile is the first target, minimum target 12 number humko chahiye. Matlab char question correct. Ek set karo, ijjat se karo, with full accuracy, and you are getting IM call. Second target is 90 percentile, which is 16 marks. And the third cutoff is 97 percentile, which is 24 marks. So 12, 16, 24. These are your three target score, which you can target in the next 1 week. Because abhi apne paas time bhi kam hai, to ye teen cheeze hume target karni hai. Okay. So as per our G strategy is very simple. There are four type of question हमें एग्जाम में आते हैं. रोज एक टाइप को पकड़ो, उसके ऊपर बेस लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. सो आई एम किंग डॉट कॉम पे जाके आई हैव टू जस्ट डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ऊपर टॉप में एक्चुअल पेपर दिया है यहाँ पे. सो इफ आई गो देयर, मुझे पीनी अरेंजमेंट, वाइड अरेंजमेंट, केसलेट और मैट्रिक्स बेस, ये चारों पे मुझे फोकस करना है एज पर द जी स्ट्रेटजी. तो रोज एक टॉपिक उठाया, केसलेट हमने खत्म कर दिया, इन अरेंजमेंट वो खत्म कर दिया, वाइड अरेंजमेंट वो खत्म कर दिया, कट ऑफ क्लियर. ठीक है. सो अगर आप ये ज्वाइन कर सकते हो या कर लिया है, मुझे बस 4 दिन दे दो अगले. लेट्स क्लियर द कट ऑफ फॉर द डीएलआर सेक्शन. ठीक है, सिंपल लॉजिक यार, दो जगह तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. सपोज मैथ्स वोबल हो रहा है, डीएलआर जिसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, दिस इज द राइट टाइम. एक हफ्ता है हमारे पास, एक हफ्ते में कट ऑफ तो क्लियर कर सकता हूँ यार. मैं टॉप करूं ना करूं, कट ऑफ तो क्लियर आराम से कर सकता हूँ. So that is our G strategy program. Link मैंने description box में डाल दिया. So what I've done is I've opened up the last year paper. So मैंने सीधा last CAT का paper खोला यहाँ पे. So on our site I am saying you can do topic wise और नीचे आके you can do the actual paper. CAT 2022 का paper मैंने यहाँ पे खोला है. So the moment I open this paper, ये set देखो एक बार. The management of the university hockey team is evaluating the performance of 4 players. ठीक है, 4 player ने 8 match खेला है. So this is a 4x8 का मैट्रिक्स. ठीक है, अभी 4 player प्लेइंग 8 match हो, इट्स अ टूर्नामेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो जो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को टूर्नामेंट के क्वेश्चन नहीं आते, मुझे ये आता है वो नहीं आता, भाई टूर्नामेंट की जगह अगर मैं आपको यहाँ पे आई कन्वर्ट दिस इनटू अ बिजनेस केस कि भाई एक कंपनी है, उनके 8 project चल रहे हैं एंड 4 project manager प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं. सेम केस, एवरीथिंग बिकम सेम. I can convert this case into anything. I can convert a case into rating ka case. There are 10 hotels, 4 hotels and 8 type of rooms they have. Har ek ka rating kaisa ho raha hai. So don't go by the story. Ye kahani aapko dikhai ja rahi hai, kahani pe na jao. Andar ka content same hai. ठीक है, नहीं यार लाल रंग का भूत अलग है, काले रंग का भूत अलग है, ग्रीन रंग का भूत, अरे एंड ऑफ द डे वो एक ही चात्रा का भूत है बस. तो मुझे ये रोज अगले 4 दिन रोज एक एक भूत को उठाना है और उसमें फोकस करना है. सपोज यू आर वेरी गुड द कैलकुलेशन, मैथ्स में आप बहुत अच्छे हो, तो केसलेट मे बी यू लव सॉल्विंग द केस बेस्ड क्वेश्चन. वही देर आर 200 लोग, उनमें से कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, बस सीधा वही टिपिकल सेट है यार. तो दिस इज सेट नंबर 1. सेट नंबर 2 ये दिखने में वॉज अ पर्ट चार्ट, ठीक है, बट पर्ट चार्ट नहीं था भाई ये सॉल्व करने में. दिस वॉज अ टिपिकल केसलेट. हर स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकती है गाड़ी, या और हर हर स्टेशन पे, हर जंक्शन पे 3 मिनट रुकती है. तो एम से एन जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ यार. दिस इज अ टिपिकल केस स्टडी का क्वेश्चन. दिस जस्ट अ कहानी उन्हें ऐसे दिखा दी, स्टोरी बना के पर चार्ट लग रहा है. अरे सर मैं तो नॉन इंजीनियर हूँ, पर चार्ट के, अरे पर चार्ट है ही नहीं भाई, पर चार्ट अलग चीज होती है. फाइन. थर्ड इज अ टिपिकल केस वेयर देर आर 6 people बींग इंटरव्यूड बाय 6 interviews. Interviewers and 6x6 का मैट्रिक्स कहानी, सेम कहानी. एंड देन अ केसलेट, देयर आर 15 girls, सम बॉयज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द क्लास. सो टोटल 200 में से कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, में कितने वेज है, कितने नॉन वेज है, टिपिकल केसलेट. तो घुमा फिरा के आपको डीएलआर में ये आने वाला है. तो भाई रादर देन लुकिंग एट देयर आर 16 18 20 अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब हटा दो. मुझे ये 4 तरह के फोकस करना है. 4 में से मैंने 2 भी कर लिया, मैं आईएम जा रहा हूं 2. सो ये मुझे फाइनल करना है द पार्ट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक. आप कितने क्वेश्चन करने वाले हो, आपको एग्जाम में 1 सेट करना है, आपको एग्जाम में 2 सेट करना है, कि आपको एग्जाम में 3 सेट करना है, यू डिसाइड दैट थिंग. 1 सेट अगर आपने किया और एक्यूरेसी मेरी अच्छी है तो मेरा 80 to even 90 percentile also I can touch. 1 सेट
दो सेट किया, सो माई रेंज कैन बी बिटवीन 90 to 97% आई। सो वो आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर मॉक्स, बेस्ड ऑन योर एफर्ट, कि तुम क्या क्या कितना कितना कर सकते हो। ठीक है, सुन के छोड़ जो जो जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑल द बेस्ट।